अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मौजूद हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है कैरीमिनाटी की वीडियो, और इसकी भी बहुत सारी रिक्वेस्ट है हमारे पास। और ये जो है ये है वाइल्डेस्ट पार्टीज जो उसका नाम है वीडियो का। तो पहले सीधा चलते हैं, वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। अच्छा साहब, तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूँ 2019 के सबसे बर्बाद पार्टी सॉन्ग। इन्हें सुन के तुम्हारा हिमेश रेशमिया को चुम्मी देने का मन करेगा। पहले नंबर पे आ रही है हिंदुस्तान की जानी मानी सपेरी ढिंग छप छप पूजा। इस प्राणी को जापान में चाची चूची कहते हैं क्योंकि जापान में भी इसका बहुत क्रेज है। चूची का एक नया गाना आया है, मतलब वो गाना तो नहीं है पर कुछ तो आया है। तो आओ यार अपनी सोच और समझ को अलविदा कहो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ये इसकी जिंदगी की फिलॉसफी है, पहले पागल होके नाचो फिर सही में पागल हो जाओ। और हमेशा की तरह इसकी आवाज पागल होके नाचो इससे पता चलता है हर उम्र का इंसान इसके गानों पे नाच नाच के बावड़ा हो सकता है। जहाँ भी मिले खटिया तुम चादर तान के सो जाओ, जहाँ भी मिले खटिया तुम चादर तान के सो जाओ। पहले फैसला कर ले तुझे लोगों को नचाना है या सुलाना है। और एक लड़की ऐसे ही तो सोती है, कैप पहन के आलती पालती मार के ज्यादा ओढ़ली और फिर मीठे मीठे सपने नीली ककनी की तली। छुट्टी मारो प्रदूषण कम मचाओ और फिर बाप जो ऐतिहासिक मार लगाएगा ना, अगर ये मुझे स्कूल ना जाने के लिए बोलेगी ना तो मैं तो छुट्टियों में भी जाऊंगा क्योंकि ये नहीं बनना मुझे। पान की दुकान चूना लगाने के लिए खोलते हैं इस चाची चूची का यही है यार। अगर ये क्रिकेट में जाएगी तो फिक्सिंग करेगी और अगर पॉलिटिक्स में जाएगी तो करप्शन, क्योंकि ऐसे जिंदगी कभी ना मिले दोबारा। सोचो आज दिवाली है, तुम नहा धो के अच्छे से तैयार होके कुर्ता पजामा पहन के टीका लगा के बाहर घूम रहे हो और एक नादान परिंदा तुम्हारे साथ ये करता है। जो मैं तो 10,000 लड़ी की पूछ चिपका दूंगा इसके पीछे, पूरा मोहल्ले में भक्ति फिरेगी। मुंह पे थप्पड़ मारो और फूल में डुबकी लगाओ। इसे बचपन से थूथ पे चाटे देके पूल में कूदने की आदत है। देखो यार ढिंचक पूजा की रोजाना सोच हमसे बहुत अलग है। एक आम इंसान सोचता है आज काश खाने में पनीर बनाओ, घर पे कोई नहीं है, दोस्त बुलाओ या फोन देखूं, ये फेसबुक वाली लड़की एंजल प्रियाना निकले। और ये सोचती है भाई रेस्टोरों में हाथी के अंडे मिलते हैं क्या, अगर आसमान नीला है पानी नीला है तो मैं नीली क्यों नहीं हूँ, अगर 4x4 है और इन दोनों चारों की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा। इसे 3 साल हो गए करते हुए, इंसान वक्त के साथ और बुरा कैसे हो सकता है। लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और ढिंचक पूजा म्यूजिक वीडियो में पैसे इन्वेस्ट करती है। इससे बढ़िया तो ग्रो ऐप पे इन्वेस्ट कर ले, 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हो, 0 कमीशन है और गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार, सारा काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। खैर अब चलते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ जो आ रहे हैं पार्टी ऑन द रोड साइड। साले गटर में नाच पट्टी मचा रहे हैं, शराब आती है दारू पीते नहीं तो क्या करें, बैठे बैठे जमीन गीली करते हैं। What a life!
पानी थोड़ी ना, बिना मुंह लगाए मुंह में गुड़ गुड़ किया और थूक दिया। और ये देखो इतना चूतिया तो कॉलेज में नहीं काटता। पार्टी रख लो ना, ऐसी पार्टी में सिर्फ एक इंसान को मजा आएगा। अरे कैसे कभी खुशियां छा गई है। विस्की बोतल की मात्रा के गान मार रखी इसने, हर दो शब्दों के बाद क्या इसका इस्तेमाल हम सब भी करते हैं जब तुम्हारा दोस्त लड़की पटा ले, जब तुम्हें पता चलता है मोदी जी बेयर ग्रिल्स के साथ आ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये अपर डिपर बम बम क्या होता है, लेकिन इसके इशारे मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। ये ओदी की शक्ल का कुछ और ही चारा है। You are looking very sexy. ये लौंडा ज्यादा गर्म हो रहा है, अगर तुम किसी को ऐसे बोलोगे ना। ए रूपा सुन, सुनाया यू आर लुकिंग वेरी रात का सपेरा नशे में बच्चियां झुला रहा है। इस पार्टी में ना ऐसा ही होता है, सबसे पहले लड़कों को दांत पिलाई जाती है, उसके बाद उन्हें बच्चियों की तरह झुलाया जाता है और एक कूलस्टर संडास के पास की जमीन गीली करता रहता है। मैं साली पार्टी हो तो ऐसी ऊपर ना दारू पी के तो हर कोई नाच लेता है। तो ये थे हमारे साल के सबसे बर्बाद पार्टी सॉन्ग। अब तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग कौन से गाने पे नंगा नाचना पसंद करोगे। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो या पागल होके नाचो मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और गाइस ग्रो ऐप डाउनलोड करो यार, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है वो। देखो यार इन्वेस्ट करते रहोगे तो जिंदगी में सुखी रहोगे, सिंपल सी बात। अब मैं भी जा रहा हूँ यार मेरी निंजा क्लासेस है, बाय। आजा अपना गेंजुत्सु सुधारे। यार सबसे बड़ी बात ढिंचक पूजा कसम से बनता है उसके ऊपर ये वीडियो कैसे बन। क्या कहते हैं लोग इस टाइप का गाने बना लेते हैं, उनको ज़रा भी रियलाइज नहीं होता यार ये बनाया क्या उन्होंने, और लोग देख रहे हैं पागल। सबसे बड़ी बात होगी लोग भी देख रहे हैं। नहीं बताएंगे उसको, अब ये एक चीज़ शुरू हुई हम लोग के दिमाग में, या तो बहुत अच्छी चीज़ चलती है या बहुत घटिया। क्या घटिया में समझ थोड़ी कि बिल्कुल घटिया क्योंकि घटिया क्योंकि लेवल होता है उसके बाद भी ये कोई पता नहीं अल्लाह तो दारा था कहाँ, गाना तो कहीं से भी नहीं था कुछ भी, कोई ना कोई लाएगी ना कुछ, बिल्कुल ही कोई। जो इसका पहला गाना है उसको बहुत व्यूज आए थे, बहुत मतलब करोड़ों अरबों व्यूज आए, तो उसके बाद बस फिर वही फेम उसकी नजर में था कि अबे भाई मैं तो इतना बुरा कर गया मुझे इतने नाम लोग देख रहे हैं। कुछ बुरी चीज कुछ चल जाती है वैसे, अब थोड़ी हर चीज बहुत बुरी चीज चलती जाएगी इसका। और कैरी के लिए अच्छी बात है कि उसको वो कंटेंट दे रही है कि भाई वो उसके लिए वो वीडियो बनाने के, और उसके बाद दूसरा वाला बताओ पार्टी वाला हद हो गई, कसम से पाइप लेके बैठा हुआ पानी के लिए यार निलारा पर क्या कर रहा है उसमें भी हम लोग 10 बार सोचते हैं उसमें 10 सोचते हैं फिल्टर मारो ये करो यार अच्छी नहीं आई आंखें बंद हो गई हो गया ये ऐसी चीजें नोट खर्च करके उस पैसा का कसम से। तो भाई अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो प्लीज यार ना करें, अच्छा अच्छा क्रिएटिव काम करें। और आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आप हमें इतने अर्से बाद देख के आपको कैसा लग रहा है, यकीनन अच्छे लग रहे होंगे हम लोग तो। अच्छा आप ये नोट कर रहे होंगे कि हमारा सेट भी क्या कहते हैं वो नहीं है जो सब सेट पे हमेशा होते हैं, जो हमारी पहचान है
तो कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे ये शूट कर रहे हैं। सो थोड़ी की गर्मी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गई थी तो हमने थोड़ा स्विच किया, क्योंकि हम आप कितने देख नहीं रहे, इतना सब्सक्राइबर हो नहीं रहे कि हम उनसे एसी ले सकें, हमारे तो हाथ का पंखा भी ले सकते, इतना सब्सक्राइब हमारे गिर गए। तो भाई खुदा के वास्ते आप थोड़ा सा हमारा सब्सक्राइब बढ़ाएं ताकि हम स्विच कर जाए। ये तो आठ सौ रुपये हमने जगह ली है फिलहाल कुछ शूट करने के लिए, और क्योंकि यहाँ पे एसी लगा हुआ है, बड़ा सुकून है, बड़ा पुरसकून है। हालांकि बाहर बहुत सख्त गर्मी हो रही है, हमारी कराची में हीट भी चल रहा है, टेम्परेचर 40 डिग्री के करीब है कराची के अंदर। तो हमने स्विच किया था क्योंकि हम वहाँ शूट करते थे, वहाँ तो पता है कि पसीने से बुरा हो जाता है, फिर अच्छी नहीं होती एनर्जी नहीं होती। एनर्जी तो पता नहीं आज क्योंकि या तो हमारी जगह चेंज हो गई है तो हमारे में कुछ वो नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी उस जगह का भी बड़ा असर होता है ना आपके बैठने का करने का, और एक तो इम्पैक्ट पड़ता है। एक साल से हम उस वहाँ पर कर रहे हैं, और टाइम से एक साल नहीं दो नहीं साल से, मतलब सालों से मतलब आप कर रहे हैं। एक और बात कि काफ़ी टाइम बाद फिर से यूज हो रहे हैं, एक बीच में चले जाए गैप आ गया, गैप आ गया, इतना लंबा गैप तो हम दो साल से कर रहे हैं, कभी नहीं आया। फर्स्ट टाइम इतना गैप आया था, मैंने बताया था कि मजबूरी थी क्योंकि हमारे रिजवान साहब के माशाल्लाह, क्योंकि ये इस काम से वो काम बहुत बड़ा बड़ा था, और इंशाल्लाह अभी रिजवान गया है तो हमने दुआ करवाई है रिजवान से भी कि वहाँ मदीना शरीफ में जाके या खाना कहवा में जाके हमारी भी दुआ कीजिएगा कि मोबाइल और हम लोग भी, हमारी फैमिली भी, हम लोग भी सबके साथ, और जितने भी जो ख्वाहिश रखते हैं, जितने भी दुआ करते हैं वो सबके सब हज और उम्रे पे जाएँ। और साथ में मेरी एक वो दुआ जो मैं आपकी तरफ कि आप दोबारा कीजिएगा कि मेरी जगह जगह जल्दी सोच रहा हूँ और वहाँ जाएँ, आप सब दुआ करें कि आमीन करें कि अल्लाह जब मैं सोच रहा हूँ जल्दी हो जाए, जितनी जब जमा करी चीज़ें वो सब जमा हो जाए और मैं तकरीबन कामयाब हो जाऊँ। तकरीबन 30-40 रुपए दर्जन के हिसाब से अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।